हर साल 26 जुलाई को मनाया जाने वाला कारगिल विजय दिवस भारत की तारीख में एक काफी अहम दिन है। यह 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान मुल्क के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन देश की संप्रभुता की रक्षा करने वाले भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करता है। इसी युद्ध में नागपुर शहर के सोमवारी क्वार्टर निवासी शहीद राजेश साहू भी शहीद हुए थे। तब से आज के दिन समूचे नागपुर कर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। शुक्रवार को भी सोमवार क्वार्टर परिसर में शहीद राजेश साहू के फोटो को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस समय शाहू परिवार के साथ ही परिसर के लोग और पूर्व उप महापौर सतीश हुले उपस्थित हुए थे। आज का दिन ऐसा है, 26 जुलाई को पूरे देश में जो कारगिल विजय के रूप में हम मनाते हैं और पूरे देश की जनता जिनके भरोसे हम लोग आज पूरा देश आज़ादी से घूमता है, इस कारगिल दिवस पे हमारे सोमवारी क्वार्टर से जो नागपुर का इस एरिया में राजेश साहू भी इसी दिन शहीद हुए और उनके बॉडी को जब नागपुर में लाया गया था तब का यहाँ का जो वातावरण माहौल जो था पूरा नागपुर का, नागपुर के बाहर का सारा जन सैलाब उमड़ा हुआ था। वो दिन जब याद आते हैं कि राजेश साहू के निधन के बाद में शहीद होने के बाद का जो उन्हें जो एक दर्जा प्राप्त हुआ और उन्होंने देश सेवा करते हुए अपनी जानों की जो बलि दी है सबके लिए, उनको हम हमेशा नमन करते हैं। हर 26 तारीख को यहाँ आकर के सारे बाहर से भी लोग आकर के यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि हम लोग देते हैं, आदरांजलि देते हैं और देश सेवा में जागृति होते रहे। हमारे वीर जवान जो हमारे लिए सेवा में रात दिन एक रहते हैं, जो 24 घंटा सेवा देते हैं, आज हम उसमें से कई लोग जो शहीद हुए उन्हें भी हम नमन करते हैं और पूरे देश सेवा के ऐसे लोगों को सैल्यूट करते हुए हम आज़ादी के इस देश में शहीद दिवस का एक विजय दिवस के रूप में जो मनाया जाता है उसमें हम सभी का नमन करते हुए अपने दो शब्दों को मैं समाप्त करता हूँ। जो राजेश साहू है हमारे बैचमेट है, बचपन से लेकर जब तक हम BSF में लगे थे तब तक साथ में थे और हमने काफ़ी जो है लड़ाइयाँ लड़ी है इसमें, मिलिटेंट जो है अतिरेकी जो जितने भी है नक्सलवादी है तो इनके दौरान हमने काफ़ी लड़ाइयों में भाग लिया है। उस दौरान राजेश साहू का जो है गोली लग के, लेकिन गोली लगने के बाद में भी वो काफ़ी दिलेरी से लड़ते रहे और हम उस समय वहीं प्रेजेंट थे। उस समय मिलिटेंटों ने जो है गोलीबारी हमारे ऊपर इतनी ज़बरदस्त की, क्या उनको उठाना हमारे से मुश्किल हो गया था वहाँ से, और इतने दुर्गम पहाड़ियों में से ऊपर से हम उनको नीचे ले आए और उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद में एक दिन के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और बहुत अच्छी उन्होंने सेवा की, बहुत वेल डिसिप्लिन जो जवान थे वो, और उन्होंने जो भी काम उनको मिला बहुत बखूबी अच्छे से निभाया है और हम साथ में ही रहे हुए हैं और आज हम बहुत राजेश को मिस करते हैं। युवाओं को क्या संदेश? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि देशभक्ति की जो है इनमें भावना निर्माण होनी चाहिए और बच्चों को जो है फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए। इसमें क्या है, फोर्स ज्वाइन करने से अनुशासन डिसिप्लिन जो है वो कूट कूट के भरा जाता है जवान में, वो मरने तक आदमी नहीं भूलता है। एक जवान जो है जब तक ख़त्म होगा लास्ट में तब तक उसके अंदर में डिसिप्लिन रहेगा, वो खड़ा भी रहेगा तो डिसिप्लिन से रहेगा, बात करेगा तो डिसिप्लिन से करेगा। आपका नाम? मेरा नाम है सुरेश मोहनराव भेड़ाऊ और राजेश साहू और मैं दोनों भी एक ही डिपार्टमेंट में 12 बटालियन BSF में हम साथ में थे, एक ही कंपनी में थे, एक ही साथ हमने नौकरी की, एक ही साथ हमने ट्रेनिंग की, एक ही साथ हमने एजुकेशन भी किया, हर चीज़ में हम साथ में थे, बचपन के दोस्त हैं हम। लेकिन आज मैं अकेला पड़ गया, वो अगर रहता हमारे साथ तो आज हम बहुत अच्छा काम कर सकते थे। कैमरा पर्सन राजकुमार बहुत के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।